मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, अभी आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसपे हुकूमत के तर्जबान शाज़िया बरीट ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि एहसास और बेनज़ीर प्रॉम्प्ट की जितनी भी नई मालूम आती है, नई अपडेट आती है, वो आपको टाइम पर पहुँच सके। वीडियो मुलाहजा करें। अपडेट्स हैं आपके पास, क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने, मैं आपके तवज्जुह से ये इन्फॉर्म भी करूंगी और ये जानकारी है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये टास्क दी, जो उन्होंने ऐलान किया कि 25,000 फी अफेक्टेड फैमिली को दिया जाए। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का व्हीकल है, जो बड़ा यूनिक व्हीकल है, उसको इस्तेमाल किया गया। और हमें इनिशियली 28.32 अरब की रकम दी गई और हमने बलूचिस्तान से 19 अगस्त को शुरू किया, क्योंकि वहां पर तबाही पहले नजर आई और नोटिफाइड इलाके आ गए थे हमारे पास, और हमने इस काम को शुरू किया बलूचिस्तान से। फिर हम दीगर इलाकों में, सिंध में, पंजाब की वसीब का इलाका है, आपके खैबर पख्तूनख्वा के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर हमने फिर इस काम को 26 तारीख से इसको शुरू किया। और आज अगर हम आपसे शेयर करेंगे फिगर्स, तो 22.35 बिलियन अब तक रुपए खर्च हो चुके हैं, इन अफेक्टेड फैमिलीज में तकसीम हो चुके हैं। और ये बनता है जी 8,94,808 फैमिली तक हमने मदद पहुंचा दी है, यानी 894,808 फैमिलीज दैट वर अफेक्टेड हैव बीन कवर्ड। एक तो मैं एक जुमले में जरूर ये कहूंगी कि दुनिया के जो ममालिक कार्बन एमिशंस कर रहे हैं, उसके नतीजे में क्लाइमेट क्राइसिस है। उस क्लाइमेट क्राइसिस का जो सबसे बड़ा जो तबाही है ना, वो हमारे जैसे ममालिक पे आती है। तो अब मिलकर अगर ये ममालिक हमें तबाह करते हैं, तो इनको मिलकर हमें हमारे सिस्टम से भी मदद करनी चाहिए कि हम उन्हें मजबूत करें आगे आने वाली इन आफतों से डील करने।